हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको डिग्री क्लास 8 हिंदी ज्ञान सागर के चैप्टर नंबर 4 दोपहरी समझाने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, इससे पहले हिंदी ज्ञान सागर पे बहुत सारे वीडियोस अपलोड है। यदि आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे मैं लिंक दे रहा हूँ, पहले उन वीडियोज़ को जरूर देखिएगा। तो आज हमने पढ़ने वाले हैं दोपहरी चैप्टर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे गर्मी की दोपहरी में तपे हुए नभ के नीचे काली सड़कें तार कोल की अंगारे सी जली पड़ी थी। यहाँ पर जो भी कवि है वो कहना चाह रहे हैं कि गर्मी की दोपहरी में तपे हुए नभ के नीचे जो काली सड़कें तार कोल सी की है वो अंगारों के प्रकार जली पड़ी हुई है। मतलब अंगारे का मतलब होता है चूल्हा, अंगीठी, उसके प्रकार जो है जली हुई है। क्योंकि गर्मी की दोपहरी में जो तारकोल की सड़कें हैं वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाती है, उस पर चलने का मन नहीं करता है। और उसके अत्यधिक गर्म होने के कारण जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं जिनके पास चप्पल जूते नहीं होते हैं, उन्हें तो अपने दो वक्त की रोटी चलाने के लिए, अपने दो वक्त का पेट चलाने के लिए तो वहाँ जाना ही पड़ता है। तो यदि उनके पास चप्पल नहीं है तो तारकोल जो पूरी अंगारे से जली पड़ी है काली सड़कें तारकोल की, उससे उनका पैर जल जाता है। तो जो काली सड़कें हैं तारकोल की है और वो अंगारों से जली पड़ी है। छा जली थी पेड़ों को भी, पत्ते झुलस गए थे। गर्मी की दोपहरी से क्या के प्रभाव पड़ रहा है, तो छा भी जल गई है पेड़ों की, पेड़ों की जो छा है वो भी जल गई है। यदि कोई सोचे कि पेड़ों की छा पे जाके बैठता हूँ तो उसकी जो छा है, पेड़ों की जो छा है वो भी जल पड़ी है, अब जली है, और उसके जो पत्ते हैं वो भी झुलस गए थे। नंगे नंगे दीर्घकाय कंकालों से वृक्ष खड़े थे। अब यहाँ कवि कहना चाह रहे कि नंगे नंगे दीर्घकाय, दीर्घकाय मतलब लंबा तगड़ा पेड़, बहुत लंबे लंबे पेड़ जो होते हैं, वो कंकालों से वृक्ष खड़े थे। मतलब कंकालों के तरह खड़े थे, उन पे ना कोई पत्ता दिख रहा है, खाली डालियाँ दिख रही हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर इस पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी पत्ता देखने को नहीं मिल रहा है, और सूरज देख सकते हैं कितना तेज चमक रहा है। तो इसके साथ क्या हो रहा है कि पत्ते हैं वो भी झुलस के नीचे गिर चुके हैं और यहाँ पर छाँ भी जल चुकी है पेड़ों की। तो वही कहा जा रहा है कि नंगे नंगे दीर्घकाय जो पेड़ है वो कंकालों से खड़े हैं, हो अकाल के जो अवतार। और यहाँ कहा जा रहा है कि जो पेड़ है वो अकाल के अवतार जैसे लग रहे हैं, देखने में वैसे ही लग रहे हैं। अब देखिए, एक अकेला तांगा था दूरी पर, कोचवान की काली सी चाबुक के बल पर वो बढ़ता था। अब देखिए, वहाँ पर एक अकेला तांगा था दूरी पर, कोचवान की काली सी चाबुक के बल पर वो बढ़ता था। ये जो घोड़ा है इसे भी इस जमीन में, इस रोड में चलने का मन नहीं है, इस रास्ते पे इसको भी चलने का मन नहीं, क्योंकि जो रास्ता है ये तारकोल का बना हुआ है और अंगारों से जल रही है। तो ये जो घोड़ा है ये तभी चल रहा है जब कोचवान की काली चाबुक उस पर पड़ती है, क्योंकि इसे भी चलने का मन नहीं है, इसे भी पैर में जलन हो रही है, क्योंकि ये जो पूरा रास्ता है ये तारकोल का बना हुआ है। तारकोल कैसा लग रहा है, अंगारे से जला पड़ा हुआ, मतलब चूल्हे की तरह जला पड़ा हुआ है। तो वो किससे चल रहा है, कोचवान की काली से चाबुक के बल पर ही वो पड़ता था। घूम घूम जो बल खाती थी सर्प सरी की, बेदर्दी से पड़ती थी दुबले घोड़े के गर्म पीठ पर। अब देखिए, घूम घूम जो बल खाती थी सर्प सरी की, इसका अर्थ हुआ कि जो चाबुक है वो सांप के समान जो है वो घूम घूम कर बल खा रही है दुबले घोड़े के गर्म पीठ पर, बेदर्दी से पड़ रही है, उसको उसका दर्द सहन नहीं हो पा रहा, लेकिन उस दर्द को सहते हुए उसे आगे बढ़ना पड़ रहा है। और मैंने पहले ही कहा कि इस रास्ते पर चलने का मन नहीं है, क्योंकि जो रास्ता है ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है, इस पर वो नहीं चल पा रहा है ये घोड़ा। तो वही है, बेदर्दी से जब उस दुबले घोड़े को सर्प सरीकी के समान, मतलब सर्प के समान जो है चाबुक जब पड़ रहा है, तो इसे भी चलना पड़ रहा है इस गर्मी की दोपहरी में। भाग रहा वह तारकोल की जली अंगीठी के ऊपर। अब देखिए, यहीं लिखा हुआ है कि वो जो घोड़ा है वो भाग रहा है तारकोल की जली अंगीठी के ऊपर। अंगीठी क्या, वही चूल्हा टाइप में होता है, जैसे कि यहाँ पर अंगारा था वैसे यहाँ पर अंगीठी है। तो तारकोल की जली अंगीठी के ऊपर उसे भागना पड़ रहा है, क्योंकि उसको चाबुक का डर है, उसे भी चलने का मन नहीं, लेकिन फिर भी उसे चलना पड़ रहा है। कभी एक ग्रामीण धरे कंधे पर लाठी, सुख दुख की मोटी सी गठली, लिए पीठ पर भारी जूते फटे हुए जिनमें से झांक रही थी गांव की आत्मा। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है, एक ग्रामीण
अपने कंधे पर लाठी रखकर उसमें एक भारी बोझ उठाए दो वक्त की रोटी का जुगाड़ करने के लिए निकल पड़ता है। और ऐसा उसे इसलिए करना पड़ता है क्योंकि गर्मी से बचने के लिए उसके पास कोई भी उपाय नहीं है, कोई भी सुख सुविधा उसके पास नहीं है। यदि वो एक दिन काम पर नहीं जाता है कमाने के लिए, यदि वो नहीं जाता है तो उसके परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाएगा, उसे एक एक रात एक दिन पूरा भूखे रहना पड़ सकता है। तो वही लिखा हुआ है, कभी एक ग्रामीण धरे कंधे पर लाठी, सुख दुख की मोटी सी घटती, लिए पीठ पर भारी जूते, फटे हुए दिन में से झांक रही थी गाँव की आत्मा। अब देखिए, ये जो ग्रामीण है इसे कमाने के लिए जाना पड़ रहा है जिसकी जूते भी फटे हुए हैं और इसके पास कोई घोड़ा नहीं है, इसे उस गर्म तारकोल की सड़क पर चलना पड़ रहा है जिसमें जूते भी जो उसके फटे हुए हैं और उसमें झांक रही है गाँव की आत्मा। यहाँ पर गाँव की आत्मा झांक रही है ऐसा इसलिए लिखा गया है क्योंकि उसके पास जो है वो जो ग्रामीण है वो बहुत ही ज़्यादा गरीब है। और यहाँ पर जो ग्रामीण की बात हुई, पूरे देश के ग्रामीण की बात हुई है, सिर्फ एक गांव के ग्रामीण की बात नहीं हुई है, यहाँ पर पूरे देश के ग्रामीण की बात हुई है। पूरे देश के ग्रामीण, पूरे देश के गाँव की यही हाल है यहाँ पर कि वो बहुत गरीब है, उनके पास दो वक्त की रोटी को जुगाड़ करने के लिए बाजार जाकर कमाना पड़ता है। यदि वो एक दिन नहीं कमाए तो उनका उनके परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता। जिंदा रहने के कठिन जतन में पांव बढ़ाए आगे जाता, घर की खपरेलों के नीचे चिड़ियाँ भी दो चार चोंच खोल उड़ती छिपती थी। जिंदा रहने के जतन में जो है ग्रामीण वो पांव बढ़ाकर आगे जाता था कमाने के लिए। घर की खपरेलों के नीचे चिड़ियाँ भी दो चार चोंच खोल उड़ती छिपती थी। खुले हुए आंगन में फैली कड़े धूप से बड़े घरों के श्वान पालतू। अब देखिए, यहाँ पर जो चिड़ियाँ हैं वो भी दो चार चोंच खोल करके उड़ती छिपती थी, उनके पास भी जो घोंसले हैं उनमें वह जाके छिप रही क्योंकि गर्मी जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो धूप ज़्यादा होने से क्या हो रहा है, यहाँ पर लू चल रही है, लू से जो चिड़ियाँ हैं उन्हें भी आसमान में उड़ने का मन नहीं कर रहा है तो वो भी उड़ते छिपते जा रहे हैं खुले हुए आंगन में फैली कड़ी धूप से। अब देखिए, खुले हुए आंगन में वो जाके छिप रहे हैं, उनके घोंसले भी मान लीजिए अब टूट चुके हैं तो वो कहाँ रहेंगे, किसी घर के आंगन में ही रहेंगे क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पर कड़ी धूप के कारण। बड़े घरों के श्वान पालतू बाथरूम के पानी की हल्की ठंडक में नैन मूंद कर लेट गए थे। अब देखिए, बड़े घरों के जो श्वान होते हैं, बड़े घर के जो कुत्ते होते हैं वो बाथरूम की हल्की ठंडक वाली पानी में सो जाते हैं। आखिर जैसे आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि हमें दो कुत्ते आप देख सकते हैं, देखिए एक टब में सोया हुआ, एक यहाँ पर पानी में सोया हुआ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो कुत्ते हैं गर्मी से बच जा रहे हैं ये पानी में जाकर, क्योंकि जो कुत्ते हैं बड़े घर के हैं तो ये आप अपने बाथरूम में जा कर के, कोई टब में तो कोई कहीं पर बाथरूम में जाकर के वो लोग सो जा रहे हैं, नैन मूंद कर सो जा रहे हैं। कोई बाहर नहीं निकलता सांझ समय तक थप्पड़ खाने गर्म हवा के, कोई सांझ समय में भी कोई बाहर नहीं निकलता है गर्म हवा के थप्पड़ खाने का, क्योंकि सुबह जो लू चली है उसका जो असर है, सुबह जो धूप थी, सुबह जो गर्मी थी उसका असर शाम में भी उसी प्रकार से बना रहता है, उमस वाली गर्मी रहती है तो लोग बाहर नहीं निकलना पसंद करते हैं, घर में ही रहना पसंद करते हैं सांझ के समय में, शाम के समय में भी, क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि जो सुबह धूप हुई थी, जो सुबह गर्मी हुई थी उसका जो असर है वो शाम में भी उसी प्रकार से बना हुआ है। संध्या की चहल पहल ओढ़े थे गहरे सूने रंग की चादर गर्मी के मौसम में। अब देखिए, संध्या में भी कोई बाहर नहीं निकलता और ये लिखा है शकुंत माथुर ने। अब आप इसे इस पोएम से आप ये चीज़ को देख सकते हैं कि एक ग्रामीण जो है अपने पीठ पर भारी बोझा उठाए हुए कमाने जा रहा है और यहाँ पर एक श्वान पालतू, मतलब श्वान एक कुत्ता जो है वो अपने आँखों को मूंद कर बाथरूम की हल्की ठंडक वाली पानी में सोया हुआ है। तो इससे यही पता चलता है कि ग्रामीण यदि एक दिन कमाने नहीं जाता है तो उसके परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता है। और यहाँ पर कुत्ते जो है ये गर्मी से बच जा रहे हैं, बाथरूम में जाकर पानी में नैन मूंद कर सो जा रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पास गर्मी से बचने का कोई भी उपाय नहीं है, एक ग्रामीण के पास गर्मी से बचने का कोई भी उपाय नहीं है तो उसे कमाने के लिए जाना ही पड़ता है। तो इस चैप्टर को, इस पोएम को मैंने कितना अच्छे से समझा दिया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए कि वीडियो अच्छा लगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर प्रेस कर लीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले वो आप तक पहुंच जाए। और हाँ, यदि आपने अभी तक मुझे फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, फेसबुक पे फॉलो कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।